बसे यहां नीर बहे मस्तानड़े यहां पावन पवन बहे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बंदूकों का वो व्यापारी रहमत अली वही लेकर आया खालसा सिपाही को यहाँ और खालसा सिपाही शुजा को अपने 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 साथ ले गया। आप चिंता की ये लकीरें अपने चेहरे से पोंछ डालिए, आपका यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खालसा शमशीरों के साये में आप पूरी तरह से महफूज हैं। जब तक ये शख्स शुजा उल मुल्क जिंदा रहेगा, अफगान हुकूमत के तख्त पर खतरा बनकर मंडराता रहेगा। और आप ऐसे खतरनाक दुश्मन को पनाह दे रहे हैं, ये तो दगा है दोस्ती के नाम पर। शाह जी, आप मोहकम चंद जी को यह पैगाम भिजवाएं कि जितना जल्दी वो शाह शुजा को लेकर लाहौर पहुंचे। मैं तो उसे कब का भूल जाता, लेकिन वो कोहिनूर जो उसके पास है वही शुजा को मुझे भूलने नहीं देता। हम तुम्हें अपने ताबे में ले सकते हैं, खालसा फौजें तुम्हारी हिफाजत करेंगी, फतेह अली खान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अटक का किला हमारे हवाले करना होगा। खालसा सरकार ने अपना वायदा पूरा किया है, अब आपको अपना कॉल निभाना है। हमें अच्छी तरह याद है कि कोहिनूर हमारे पास खालसा सरकार की अमानत है, हम इसे लम्हे भर के लिए भी नहीं भूले। इस कोहिनूर को ही नहीं, हम सबका मुस्तकबिल तुमने उनके हवाले कर दिया। अफगानिस्तान का तख्त उनकी झोली में डाल दिया। ये तो हद होगी शाहजी, अब क्या क्यामत तक इंतजार करना पड़ेगा उनका? जी बेगम साहिबा ने फरमाया है कि वो अभी थोड़ा मसरूफ है, इसलिए वो मसरूफ है। क्या मतलब, हम कब से उनका इंतजार कर रहे हैं और वो? जी वो फरमाती है कि वो शर्मिंदा है, मुआफी चाहती है वो आप लोगों से, लेकिन उन्होंने ये भी फरमाया है कि बहुत जल्द वो आपकी अमानत खुद ही आपके हवाले कर देंगी, आपको जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। ये तो सरासर गुस्ताखी है शाहजी, धोखा, गलत बात है ये।
हालात को समझिए दीवान साहेब। ये लोग हमारे मेहमान हैं, जाएंगे कहां? बेगम साहिबा से जाकर कहो कि हम उनके इस्तकबाल के लिए हर वक्त यहां मौजूद हैं। वो जब चाहें तशरीफ ला सकती हैं, बस एक पैगाम भिजवा दीजिए। हमारे सिपाही लेने आ जाएंगे। चलिए दीवान साहब। पहले दिन से ही हम गलती पे गलती किए जा रहे हैं। कैसी गलती? इन अफगानों पे एतबार करना ही पहली गलती है, सबसे बड़ी भूल जिसे हम बार बार दोहरा रहे हैं। फतेह अली हो, वफा बेगम या शाह सुजा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनमें, ये सब एक जैसे हैं। उस वक्त जब इनकी कोई गुहार सुनने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था कोई, तब हम लोगों ने इनको सहारा दिया, संभाला, और अब ये सलाह दे रहे हैं वो, मतलब निकलते ही अपनी औकात पे आ गए, हम ही से टाल मटोल कर रहे हैं। क्यों अपना चैन और सुकून खराब करते हैं दीवान जी? कहां जाएंगे? कब तक खाल बचाएंगे? आंख मूंद कर भरोसा करने की जो बीमारी है हमें, यही महंगी पड़ रही है। जो कीमत कोहिनूर के लिए हमारे एक एक सिपाही ने चुकाई है, क्यास भी नहीं कर सकते आप। बर्फीली चट्टानों पे चलते, पैर सिल हो जाते, फिर भी वो चलते ही जाते। हाथों का खून जम जाता, तलवार उठाने की ताकत नहीं बचती, फिर भी वो चलते ही जाते, लड़ते ही जाते। सैकड़ों को मैंने अपने सामने कटते गिरते देखा है, किस लिए? वो तो ये सब जानते भी नहीं थे, उन्हें बस हम पर भरोसा था, एतबार था, और हम लोगों ने इतना भी दरियाफ्त करने की जरूरत नहीं समझी कि जिस कोहिनूर के लिए हम इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं, वो वफा बेगम के पास है भी या नहीं। हमने सिर्फ भरोसा किया और धोखा खाया। आपका गुस्सा अपनी जगह पर जायज हो सकता है दीवान मोहकम चंद, लेकिन इतनी बड़ी तोहमत मेरे नाम पे लगाने से पहले आपको कुछ तो सोचना चाहिए था। बस शाहजी, और दीवान जी, आपने ये कैसे सोच लिया कि हम बिना दरियाफ्त किए अपनी फौजों को मौत के मुंह में झोंक सकते हैं? हम जानते हैं कि कोहिनूर अफगानिस्तान में नहीं है, और शाह शुजा के लिए जो बेकरारी फतेह अली खान के दिल में है, उसकी वजह भी यही कोहिनूर है। इसमें कोई शक नहीं कि कोहिनूर शाह शुजा के लिए बहुत मायने रखता है। इतनी आसानी से वो उससे अलग होना नहीं चाहेगा, वही उसकी आखिरी उम्मीद है। इसीलिए वो बहानेबाजी पर उतर आया है। वफा बेगम ने जो भी कहा है वो सब उसी का किया है। लेकिन हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, उन्हें पूरा वक्त देंगे। फिलहाल आप कोतवाल से कहें कि वो मुबारक हवेली पर हर वक्त कड़ी नजर रखे। जाइए। दीवान जी, जी आप अभी फौरन निकल जाएं और अटक के किले को अपने कब्जे में ले लें। मगर सरकार, वहां का किलेदार तो जहांदाद खान अब हमारा जागीरदार है, वो वहां आपका स्वागत करेगा। जाइए।
और अटक को अपने इख्तियार में ले लीजिए। मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि ये कोहिनूर हम सबके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। आप अभी अभी मौत के मुंह से निकल के आए हैं, फिर क्यों दोबारा हम सबके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं? तुम्हारा इरादा है कि मैं इसे खालसा सरकार के हवाले कर दूं और जिंदगी भर के लिए उनका गुलाम हो जाऊं? सिंह साहब से दुश्मनी का अंजाम जानते हैं आप? मैंने तो सुना है कि जहादात खान भी इनसे आ मिला है। जहादात खान? मुझे तो डर है कि कहीं इस एहसान फरामोशी की कीमत हमें अपनी जिंदगियों से ना चुकानी पड़े। जलावतनी की ये जिंदगी, दूसरों के टुकड़ों पर जिंदा रहने की ये जिल्लत, मौत इससे कहीं बेहतर है। इस पत्थर के टुकड़े की खातिर आप? तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, तुम इसे पत्थर का टुकड़ा कहती हो? पत्थर के इस टुकड़े की कीमत कई रियासतों से ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर उन्होंने हमें जहादात खान के हवाले कर दिया तो वो जल्लाद अपने भाई की मौत का बदला भी हम लोगों से लेगा। इतनी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? वो ऐसा नहीं करेंगे। वो इतने बेवकूफ नहीं है कि हाथ में आई हुई सोने की खान को किसी दूसरे के हवाले कर दे। हम जिंदा रहेंगे बेगम, इस कोहिनूर की बदौलत। तब तुम ये देखोगी कि यह पत्थर का टुकड़ा कितनी बड़ी बड़ी फौजों पर भारी पड़ता है। तब तुम्हें इसकी ताकत का एहसास होगा और अपने शौहर की अक्ल पर भी। सोचने वाली बात तो यह है कि रंजीत सिंह को क्या जवाब दें और कैसे। आपको क्या लगता है, वो हमारी बात मानेंगे? यकीन कर लेंगे हम पर कि कोहिनूर अब हमारे पास नहीं है? दौलत और खून दोनों बहाए हैं उन्होंने पानी की तरह। किसके लिए? इस कोहिनूर की खातिर वो हमें छोड़ देंगे यूं ही? यही बात तो सोचने वाली है बेगम कि उन्हें यकीन दिलाएं तो कैसे। एक अदद झूठ बोलकर, जिसके पैराहन में छिपा होगा सच, जो मुजस्सम सच ही लगे, जिस पर किसी को भी शक ना हो। खालसा दरबार से आपके लिए बुलावा आया है हुजूर। खालसा सिपाही बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आदाब। आदाब। आपके एहसानों की बात करके मैं उनकी कद्र कम नहीं करना चाहता सिंह साहब। मुफलिसी के इस दौर में आपने सब कुछ भुलाकर, माजी के तमाम जख्मों को दरकिनार करके मुझे और मेरे खानदान को पनाह दी। मैं भला इसे कैसे भुला सकता हूं, जब मैं खुद जिंदा रहने की हर उम्मीद छोड़ चुका था। आपकी फौज ने वहां पहुंचकर मुझे एक नई जिंदगी दी। एक मजलूम बेसहारा पर किए हुए एहसानों का बदला तो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। मेरी ऐसी बिसात कहां। हां, लेकिन अगर मैं इन एहसानों को अपने दिल से निकाल दूं या इन्हें भुला दूं तो मुझ जैसे कमजर्व को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ मेजबान होने का हक अदा किया है। जी, ये तो आपका बड़प्पन है सिंह साहब, दरिया दिली है आपकी। लेकिन अब जब मैं इन सिपाहियों को देखता हूं तो ये बात समझ नहीं पा रहा कि मैं अब भी आपका मेहमान हूं या फिर मेरी हैसियत सिर्फ एक
कैदी की है। नहीं नहीं, आप अब भी हमारे मेहमान की हैसियत रखते हैं। आपकी सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर हैं, इसीलिए हम कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। हम आपके इस फिक्रमंदी का एहतराम करते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि जैसे अब मुझ पर आपका। शुजाउल मुल्क, बात इतनी सी है कि रिश्ते की मजबूती की डोर सांस की डोर से भी ज्यादा महीन होती है। जब तक जुड़ी रहती है खुशहाली ही खुशहाली, लेकिन एक बार टूट जाए फिर कोई जादूगर कोई चारागार कुछ करिश्मा नहीं कर सकता। हमने आपकी बेगम पर यकीन किया, आपको सही सलामत लाहौर लेकर आए, लेकिन अब आप लोग। इसमें वफा बेगम का कोई कसूर नहीं है सिंह साहब, उस बेचारी को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं सिंह साहब, जब हम जान बचाकर अफगानिस्तान से निकल रहे थे तो कोहिनूर मेरे पास था। मैंने इसका जिक्र अपनी बेगम से भी किया था कि ये कोहिनूर किसी रोज हमारे काम आएगा। उसने सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए ऐसा किया, आपको धोखा देने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसको तो इस बात का भी इल्म नहीं था सिंह साहब कि मैंने कोहिनूर को 6 करोड़ रुपए की एवज में कंधार के एक ताजिर के पास रहन रख दिया था, और वो रकम मैंने अपनी फौजी मुहिमों पर खर्च कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। शुजाउल मुल्क, आदमी की जबानी उसकी सरमाया होती है। आपने अभी जो कुछ भी कहा हम उस पर यकीन करते हैं लफ्ज बा लफ्ज। आपके कहे हुए सच को झूठा करार देकर हम आपकी तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन आपको इस बात से इनकार नहीं होना चाहिए कि कोहिनूर खालसा राज की अमानत है और उसे वापस लाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। आप सिर्फ इतना बताओ कि कांधार के उस ताजिर से कोहिनूर वापस लाने के लिए आपको कितनी मोहलत चाहिए। सिंह साहब, कंधार यहां से इतनी दूर और मैं मुफलिस, मैं तो उसे कब का भूल चुका हूं सिंह साहब। लेकिन हम नहीं भूल सकते, ये हमारी फितरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बताओ आपको कितनी मोहलत चाहिए, और जो भी मदद होगी वो खालसा सरकार आपको देगी। कम से कम 50-60 दिन की मोहलत तो लाजमी है। ठीक है, आज से पूरे 2 महीने के बाद हम खुद आपके पास कोहिनूर को लेने आएंगे। याद रहे, रिश्ते की ये डोर टूटनी नहीं चाहिए। ये क्या किया आपने? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? खुद अपने हाथों से जाल बुन रहे हैं अपने लिए। मुझे कुछ नहीं सूझा, मौके पर जो भी जहन में आया बस कह दिया। सारी राह इसी उधेड़बुन में निकल गई कि दरबार में जाकर क्या कहूं क्या ना कहूं, कोई बात मन को जस्ती ही नहीं थी। पता नहीं कैसे अचानक कंधार के साहूकार की बात निकल गई मुंह से बिना सोचे समझे। अब क्या सोचा है आपने, कैसे निकलेंगे इस दलदल से? 50-60 दिन तो यूं ही उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। फिर जब दरवाजे पर दस्तक होगी तो कहां छिपेंगे, क्या जवाब देंगे? मुंह छिपाने से कुछ नहीं होगा। तुमने फंसाया है मुझे इस चक्कर में, कैसे निकलूं मुझे तो कोई राह ही नहीं सूझती। राह तो है, अगर आप मेरी मानो तो। कोहिनूर को उनके कदमों में डाल दूं, यही कहना चाहती हो ना तुम? एक झूठ का भार 100 मुर्दों से भी ज्यादा लगता है, ताउम्र हम उसे अपने कंधों पर लाद के नहीं फिर सकते। बस
कम से कम अपनी इन नसीहतों का बोझ तो मेरे जहन पर मत डालो। मैं कर लूंगा कुछ, कोई ना कोई राह निकाल लूंगा। आप क्या राह निकालेंगे? बड़ी मुश्किल से आपको मौत के मुंह से निकाला है। ये जिंदगी खुदा की नेमत है, इसे मत ठुकराइए। कोई हीरा इसका मोल नहीं चुका सकता। बस खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तन्हा रहना चाहता हूं, कुछ सोचना चाहता हूं। मुझसे दूर जाना चाहते हैं? अभी अभी तो आए हैं। कहा ना बेगम, मुझे अकेला छोड़ दो, तन्हा, मैं सोचना चाहता हूं। सोचने से कुछ नहीं होगा, जितना सोचेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। झूठ के राह के मुसाफिर को कभी लौटते नहीं देखा मैंने। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें गलती से भी पैर रखा तो सारा का सारा वजूद निकल जाती है। वो तो मैं क्या करूं, मैं तो दोनों पांव रख चुका हूं इसमें, कमर तक धस चुका हूं झूठ की इस दलदल में। मैं आप बस निकलना नहीं चाहते इससे, बहाने ढूंढते हैं इसके लिए। हाँ हाँ, मैं बहाने ढूंढता हूँ, नहीं निकलना चाहता। तुमने फंसाया है मुझे। किसने कहा था तुमसे कि मेरी जान का सौदा उनसे करो, और वो भी कोहिनूर के बदले? किसने कहा था? मैंने मौत के मुंह में जाकर भी कोहिनूर का राज किसी को नहीं बताया, और तुमने यहां बैठे बैठे मेरी खबर खोद डाली। बस कीजिए खुदाया, बस कीजिए। आपने ही खुद अपने हाथों से मुझे दिया था, कहा था कि मुसीबत में काम आएगा। अब मुसीबतें तो जिंदा लोगों पे ही आती हैं। अब अगर आप जिंदा नहीं रहते तो इस पत्थर के टुकड़े का क्या करती मैं? इन लोगों की हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं भाईजान। बात अब हद से आगे बढ़ चुकी है। पहले तो हमारी आंखों के सामने से हमारे शिकार शाह शुजा को निकाल ले गए और हम कुछ नहीं कर सके। अब अटक पर भी खालसा सरकार ने कब्जा कर लिया है भाईजान। फौरन इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इनके हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। ये जानते हुए भी कि जहादात खान हमारा दुश्मन है, उन्होंने हमें धोखा देने के लिए उसे अपने यहाँ बना दी। मैं तो कहता हूँ हमें अभी लाहौर पर हमला करके रंजीत सिंह को उसकी गुस्ताखियों के लिए सबक सिखाना चाहिए। चुप रहो तुम सब, बिना सोचे समझे जो भी मुंह में आए बोल देते हो। जानता हूं रंजीत सिंह ने हमें धोखा दिया है, लेकिन सियासत की जंग सिर्फ जज्बात और ताकत के बूते पर नहीं जीती जाती। इस बिसात पर हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जाती है। अटक की फतेह के पीछे रंजीत सिंह की क्या मंशा है, इसका अंदाजा है कुछ? उसकी मंशा और इरादे साफ शफाक हैं भाईजान। जानता हूं आज उन्होंने अटक छीना है, अगर इस बार भी हमने आंखों पर पट्टी बांध ली तो कल वो पेशावर और खैबर तक जा पहुंचेंगे, और अगर एक बार उन्होंने खैबर का दरवाजा बंद कर लिया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मुल्तान और कश्मीर भी हमारे हाथ से अपने आप ही निकल जाएगा, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान की इस सरजमी से अफगान हुकूमत का नामो निशान मिट जाएगा, यही कहना चाहते हो ना तुम? तुमको क्या लगता है मैं अहमक हूं, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं, या मैं नाआशना हूं इस तल्ख हकीकत से जिसे कहना तो दूर सोचते हुए भी सिहर जाता हूं? हम में से कोई भी आपके बारे में ऐसा सोचने की गुस्ताखी कर ही नहीं सकता भाईजान। आपकी जहानत पर शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तुम लोगों के जज्बात को मैं समझता हूं। रंजीत सिंह एक बहुत ही शातिर दुश्मन है। अटक पर कब्जा करके उसने दरियाए सिंध के इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया है। हमने तो दीवान मोहकम चंद को यह भी कहते हुए सुना है कि कश्मीर खालसा राज का हिस्सा है,
आज नहीं तो कल वो यहाँ से मालिया इकट्ठा करके रहेंगे। हमारी मजबूरी ये है आजिम खान कि हम अपने वतन अफगानिस्तान से कटे हुए हैं और ये बात रंजीत सिंह बाखूबी जानता है। कभी भी वो अफगानिस्तान से आने वाली रसद और जंगी साजो सामान को रास्ते में रोक सकता है, फिर हम फंस जाएंगे। आज से सूबाए कश्मीर की जिम्मेदारी तुम संभालोगे आजिम खान, हमें तुम पर पूरा एतबार है, तुम्हारी काबिलियत पर और तुम्हारी वफादारी पर भी। हम आज ही पूरे लामो लश्कर के साथ अटक की जानिब आगे बढ़ेंगे। जहन में रहे कि तुम यहां के सूबेदार हो, हाकिम नहीं, अफगान हुकूमत के नमकख्वार अलमबरदार। जी भाईजान, लेकिन उस अता मोहम्मद का क्या किया जाए? उसे कैद खाने में सड़ने दो, उसके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। तुम फौरन अपनी फौजों को रवानगी का हुक्म दो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। सिंह साहब, वजीर फतेह अली खान का एलची गोदरमल आपके रूबरू होने की इजाजत चाहते हैं। यानी कि अटक पर हमारे कब्जे की बात फतेह अली खान के कानों में पड़ गई है। खैर, उसको बुलाइए। कहो गोदरमल, इस बार कैसे आना हुआ? कासिद का काम तो महज पैगाम लाना ही तो है, उसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ सरकार। अब क्या हाल चाल है फतेह अली खान के? कश्मीर तो बहुत रास आ रहा होगा, आना भी चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह है, हसीनो तरीन। जी खालसा सरकार, उन्हीं का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारे दोस्त का पैगाम है, बावाज़े बुलंद पढ़ा जाए। अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से कश्मीर की कामयाब मुहिम पर हम आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इसके साथ ही निहायत रंज और अफसोस के साथ हम आपकी तवज्जो उन मामलात की जानिब खींचना चाहते हैं जो अफगानिस्तान हुकूमत की फिक्रमंदी की बायस बनी हुई है। आप लोग ये भूल रहे हैं कि अफगानिस्तान हुकूमत ने आपकी इज्जत अफजाई करते हुए आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कश्मीर की मुहिम में आपको फतेह होने का मौका दिया, लेकिन खालसा फौजों ने बिना किसी मशवरे के अफगानिस्तान हुकूमत के मुजरिम शाह शुजा को अपने कब्जे में करके लाहौर की जानिब रवाना कर दिया। फिर भी दोस्ती का लिहाज रखते हुए हमने खुद पे जब्त रखा और इन नाखुशगवार हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब जहांरात खान से अटक का किला छीन कर खालसा फौज ने खुलेआम दुश्मनी का ऐलान कर दिया है, फिर भी पुरानी दोस्ती के एहतमाद का एहतराम करते हुए कोई भी कार्रवाई करने से पहले हम आपसे इन गैर जिम्मेदाराना हरकतों की
वजह दरियाफ्त करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये गलत फहमियां दूर की जाएंगी, जिनके नतीजे निहायत ही अफसोसनाक और खुरेज हो सकते हैं। इस तलखी और कड़वाहट की सिर्फ एक ही वजह है गोदरमल, वो गलत फहमी जो फतेह अली खान ने अपने दिमाग में सजा के रख ली है। हमने अतीत के सभी जख्मों को भुलाकर कश्मीर की जंग में उनका साथ दिया, क्योंकि हम अतीत में नहीं वर्तमान में जीते हैं और वहीं से आने वाले कल को हम मजबूत करना चाहते हैं। आप हमारे तरफ से उनको यह भरोसा दिलाएं कि वो आज भी हमारे दोस्त हैं और खालसा हुकूमत कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो अफगान हुकूमत को नागवार गुजरे। जाइए उनको ये भरोसा दिलाइए और हम अपने तरफ से मोहकम चंद जी को वहां भेज देंगे, वो उनकी सारी गलत फहमियां दूर कर देंगे। जी सरकार। सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि हमारी बातों पर यकीन करके वजीर फतेह अली यूं ही चुप बैठा रहेगा? शाहजी, अफगानों से दो दो हाथ करने का मौका आ गया है। दोस्ती की बात तो सिर्फ इसलिए थी कि जितना वक्त जरूरी है हम उसे हासिल कर सकें, इससे पहले कि अटक पर हमारी फौज कमजोर पड़ जाए और हथियार डालने पर मजबूर हो एक नई फौज भेजने की तैयारी की जाए। हम अटक को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है गुदरमल, रंजीत सिंह के इन दावों में कितनी सच्चाई है? कहीं हम उस पर एतबार करके गलती तो नहीं कर रहे? आप तो जानते ही हैं वजीर साहिब, रंजीत सिंह नहायत ही होशियार और शातिर शख्स हैं। उनकी इकलौती आंख में झांक कर उनके दिल की तह तक पहुंच पाना और इस बात का अंदाजा लगा पाना कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, ये सिर्फ मुश्किलें नहीं नामुमकिन है। उसकी तारीफ करना छोड़ के सिर्फ ये बताओ कि अटक के किले के बारे में उसने क्या कहा, खालसा फौज कब उस किले को खाली कर रही है? जी, ऐसी कुछ यकीन दहानी तो उन्होंने नहीं की, अलबत्ता इतना जरूर फरमाया कि वो जल्द ही दीवान मोहकम चंद को आपके पास भेजेंगे। ठीक है गोदरमल, तुम जा सकते हो। जी सरकार। फतेह अली, खुद को बहुत शातिर समझते थे तुम, ये रंजीत सिंह एक के बाद एक मोर्चे पर तुम्हें मात देता जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं, फंस चुके हो तुम पूरी तरह। आइए मौलाना साहेब, आइए। क्या बात है, आप जब भी तशरीफ लाते हैं खफा ही नजर आते हैं, अब ऐसी क्या बात हो गई? तुम अपनी इन ऐश परस्तियों से बाज आओगे तभी तुम्हें नजर आएगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहां क्या चल रहा है। लेकिन नहीं, तुम इसी गफलत में डूबे रहोगे और एक दिन वो काफिर रंजीत तुम्हारी गर्दन पर आकर सवार होगा और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं होगी। होश में आओगे तो अपने आप को खालसा फौज से घिरा हुआ पाओगे। मौलाना रहमतुल्ला साहेब, हम आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मुंह में आए बोलते चले जाएं। मौला, मैं तो सिर्फ वही बोलता हूं जो वो मुझसे बुलवाता है। अगर तुम सुनना नहीं चाहते हो तो ये तुम्हारी बदकिस्मती है। तुम्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि अटक का वो किला अफगानों के हाथ से निकल चुका है और वो काफिर रंजीत सिंह, जिसकी दोस्ती का दम भरते हमारे मोहतरम वजीर फतेह अली खान नहीं थकते, उसी ने हमारी पीठ पे छुरा घोपा है।
मैंने तुम्हें बार बार खबरदार किया था, इन काफिरों पे ऐतबार मत करो, लेकिन तुमने उसी अहमक शुजा की तरह हमारी बातों पे गौर नहीं किया। अब भुगतो, इसका अंजाम देखो, आगे भी तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मौलाना साहेब, हम ये जानते हैं आप हमारे खैर ख्वाह हैं और जो भी कहेंगे हमारे अच्छे के लिए कहेंगे, लेकिन मौलाना साहेब ये सियासत है सियासत। हम ये सब मसाइल उस वजीर फतेह अली खान के कंधों पर छोड़ चुके हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। पर वो अभी भी रंजीत सिंह को अपना दोस्त ही समझ रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद। अपनी कमजोरियों से नाता तोड़ो, समझो अपने आप को, कामिले मर्द बनो, गुनाहों से तौबा करके खुदा की राह पर आओ और उस काफिर रंजीत सिंह के खिलाफ ऐलान कर दो जेहाद का जेहाद। हाँ, एक बार तुम ऐलान करके देखो कि तुम्हारे उस ऐलान में कितनी ताकत होगी। लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो डरते हो फतेह अली से, उसे हुक्म देते हुए तुम थरथराते हो, कांपते हो। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में हमारा इस्लाम की हुकूमत कायम करने का ख्वाब ख्वाब ही रह गया। पंजाब भी हमारे हाथ से निकल गया है और अब बहुत जल्द अगर रंजीत सिंह को नकेल नहीं डाली गई तो अफगानिस्तान भी हमारे हाथ से निकल चुका होगा और मैं भी तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगा। अपने वजीर के साथ काल कोठरी में बैठे रहना मौला। भाईजान, दीवान मोहकम चंद आए हैं, उन्होंने पैगाम भेजा है कि वो आज ही आपसे मुलाकात के मुंतजर हैं। इसका मतलब है कि रंजीत सिंह अपनी बातों को लेकर संजीदा है, लेकिन हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल हमारी ख्वाहिश सिर्फ यह है कि वो अटक के किले से अपनी फौज वापस ले जाए और उस किले के साथ साथ उस गद्दार जहादात खान को हमारे हवाले कर दे, फिर हमारी रंजीत सिंह से कोई दुश्मनी नहीं। और वो शाह शुजा कोहिनूर? एक ही झटके में सब कुछ हासिल नहीं होता, जहां सब्र है वहां खुदा है, बरकत है। शुजा और कोहिनूर को मैं भूला नहीं हूं, उसे हम बाद में देखेंगे। हमारा फौरी निशाना वो अटक का किला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किला खाली करने के इरादे से आए हैं। दीवान मौकम चंद पूरे लाहौल लश्कर के साथ एक बड़ी फौज लेकर यहाँ आए हैं। मुझे तो यही लगता है कि खालसा हुकूमत ने हम पर जंग थोपने का इरादा कर लिया है। ठीक है, अगर रंजीत सिंह यही चाहता है तो ये जंग हमें मंजूर है, लेकिन उसके पहले हम मौकम चंद से मिलने जरूर जाएंगे। दीवान साहब, वजीर फतेह अली खान अपने भाइयों के साथ इसी जानिब तशरीफ ला रहे हैं। खुदा खैर करे, आज रंग ढंग कुछ अलग हैं, पूरे जलाल में है सबके सब। आने दीजिए खान साहब, बहुत मोहब्बत है सब भाइयों में, जहां भी जाते हैं एक साथ ही जाते हैं। खैर, इनकी खातरदारी के लिए तो हम तैयारी करके आए हैं। आई आई वजीर आला, खुशामदीद। ऊपर वाला गवाह है, आज तो सचमुच ही आप बाजी लेंगे हमसे। सच में हम अभी आपसे मुलाकात के लिए निकल ही रहे थे और आप पहले ही पहुंच गए। तशरीफ रखिए। खैर, आपकी तेज रफ्तारी को तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं, कश्मीर के दिनों से। दीवान मोहकम चंद,
ये सब जो हम देख रहे हैं इसका मफून हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इतने भी नादान नहीं है हम। लेकिन एक बारगी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि इस सब का मतलब क्या है, इसे हम क्या समझें, दोस्ती या दुश्मनी? ये आप क्या बैकी बैकी बातें कर रहे हैं जनाबी आला? जानता हूं कुछ गुस्ताखियां हैं जिन्हें बैठकर बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए तो हम यहां आए हैं। कुछ शिकवे शिकायतें या सवाल हैं, सबका माकूल जवाब दिया जाएगा आपको, लेकिन ये तलखी हमारे रिश्तों में नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले की दुआ से मुद्दतों के बाद ये दोस्ती शुरू हुई है, भगवान इसे बुरी नजर से बचाए। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये दोस्ती फले फूले परवान चढ़े, और आप दुश्मनी की बात कर रहे हैं। अगर आप सचमुच इस किले को खाली कराने के इरादे से आए हैं तो इस फौज और इतने लामो लश्कर के साथ आने का मतलब क्या है? आपको किसने कहा कि हम ये किला खाली करना चाहते हैं? इतने अहम किले को खाली करने के बारे में तो सिंह साहब कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये किला अफगान हुकूमत की मिल्कियत है, इस हकीकत से आप नाश्ना तो नहीं होंगे? है नहीं फतेह अली साहब, था। अटक का ये किला अफगान हुकूमत के कब्जे में था, लेकिन जहांदाद खान अपनी खुद मुख्तारी बहुत पहले से ही ऐलान कर चुके हैं, लेकिन आप अतीत के मोह से बाहर आकर हकीकत को देखना ही नहीं चाहते। अगर जहांदाद खान आपका नुमाइंदा है तो आपने उसके खिलाफ जंग क्यों लड़ी? हम किसी बहस मुबाही से में नहीं पड़ना चाहते। आखिरी बार ये दरखास्त करते हैं कि ये किला जो आपने छीना है, ये सरासर इल्जाम तराशी है फतेह अली। खालसा फौजों ने किसी से कुछ नहीं छीना है। किलेदार जहांदाद खान ने खुद अपनी मर्जी से इसे हमारे सुपुर्द किया है, लिहाजा किले के साथ साथ अब जहांदाद खान की हिफाजत करना भी खालसा फौजों की इखलाकी जिम्मेदारी है। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। जाते जाते एक सलाह ये भी सुनते जाएं फतेह अली साहब, अच्छा यही रहेगा कि अब आप अफगानिस्तान की सरहदों के अंदर रहना सीख लें। पंजाब के इलाकों की हिफाजत को अब आप खालसा सरकार पे छोड़ दें। है कदम कदम हसीन